उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जीटीबी इंक्लेव इलाके के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में अशोक कुमार सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। वे अपने बच्चे के साथ किसी काम से बाहर गए थे। घर पर उनकी पत्नी उषा कैम थी, जो करीब 2 बजे घर के पास में किसी पड़ोसन के पास चली गई। इसी दौरान घर में चोर घुसकर घर का सारा सामान, करीब 6 लाख की ज्वेलरी और 50,000 कैश लेकर फरार हो गए। करीब 1 घंटे बाद वे घर लौटी तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा है और घर से 50,000 रुपए कैश व ज्वेलरी गायब है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में संदिग्ध हालात में घूमकर रैकी कर रहे इन्हीं युवकों का परिजनों को शक है। C114 में रहती हूँ, जीटीबी कैंपस में। मैं कल यहाँ से अपने भाई पीछे बैठी थी कैंपस में ही। उसके बाद मैं इंदिरा के पास आके बैठ गई। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, दूध लेके आई हूँ, 4:45 बजे मेरे घर में चोरी हो चुकी थी। जो मैंने वहाँ सीसी कैमरा देखा है, मेरे यहाँ से किस चीज़ की आपकी चोरी हुई, किस तरीके से? मेरा सारा गोल्ड चला गया, मेरे कैश चला गया, मेरे घर में रेकी हुई है, सारा सामान ले गए। यदि बात करी जाए तो कितने लाख की, कितने कम से कम 7 लाख की चोरी हो गई मेरे घर। क्या क्या गया उसमें? उसमें सारा जेवर चला गया टोटली। मेरे घर हार है, चैन है, अंगूठियां हैं, हीरे की अंगूठी है, मतलब मेरा टोटली सामान चला गया। 50,000 रुपए कैश रखे थे वो भी चले गए, और मेरे जवान गन नहीं थे। ये मेरे आदमी के जाने के बाद किसी ने मेरे घर की रेकी करके ये काम करवाया है। और मैं कितने धक्के खा रही हूँ सुबह से, कल से मेरे घर में खाना तक नहीं बना, मेरे बच्चे भी नहीं है यहाँ पे, और मैं शहर में घूम रही हूँ, पुलिस भी मेरे कोई सहायता नहीं कर रही है। जीटीवी इंक्लेव, ये जीटीवी का एक कैंपस है, अति संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, पुलिस गश्त करती है क्या समय समय पर? समय पे कोई गश्त नहीं करते हैं। यहाँ पे सारे चर्सी गांजे वाले बहुत बंदे रहते हैं, यहाँ पे हमेशा चोरी होती है। लेकिन मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया, कल फोरेंसिक वाले आए थे, लेकिन अभी तक मेरे घर कोई नहीं आया, जबकि आना चाहिए था, पूछना चाहिए था। मेरे से बोल दिया सामान पड़ा है आपका, देखेंगे हम आके, अभी तक मैंने कुछ करा भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे को कुछ तो कुछ मेरा कुछ वो होए, मेरे को सहायता होए, कुछ तो मुझे कुछ तो सहायता दे, पुलिस वाले सहायता दे, कोई तो सहायता दे। आपने सीसीटीवी देखा, क्या लग रहा है? सीसीटीवी में मेरे को जो लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं, एक गाड़ी है, गाड़ी में हलचल हो रही है, अब ये मुझे नहीं पता चल रहा वो गाड़ी किसकी है। उसके आगे एक बीजेपी का झंडा लग रहा है छोटा सा, उसकी सीट ऊपर की मेरे को ब्लैक से दिख रही है, ये नहीं पता मुझे किसकी गाड़ी है वो। उसमें हलचल हो रही है, उससे पहले 2 लड़के निकले हैं, ठीक है। 2:30 बजे तक मेरा ताला लग रहा था, 2:30 में मेरे यहाँ एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने लोग देखा है। उसके बाद मेरे घर में चोरी हुई है, 3:30 तक चोरी हुई है। दिन दहाड़े चोर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं, इससे पुलिस पे कोई सवाल या निशान होता है? पुलिस यहाँ बैठी है आराम से, यहाँ गेट कीपर ऐसे बैठा रखे है, कोई सुविधा नहीं हम लोगों की, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रखा। आप देखो ना हमें कैसा गेट दे रखा है, मैं तो कभी अपने घर में ताला भी नहीं लगाती हूँ, उसके बावजूद मेरी कुंडी तोड़ के, मेरा ताला तोड़ के अंदर रख गए हैं। मेरे घर में पूरा आप देखिए, पूरी रेकी कर रखी है। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात से लगता है कि चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं, जो दिन दिहाड़े भी आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, समाचार एक्सप्रेस।